और आज सुबह मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं डर के विषय। ये डर एक ऐसी चीज है जो हम सब के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये डर आया कहां से? ये डर की भावना क्या परमेश्वर ने बनाई या फिर ये कहां से हमारे अंदर आ गया? उत्पत्ति 3:10 यहां पर सबसे पहले शब्द का यूज किया आदम ने। आदम परमेश्वर को देख के कह रहा है कि मैंने तेरा शब्द सुना इसलिए मैं डर गया और मैं छुप गया। जब मनुष्य ने पाप किया तब इस डर का जन्म हुआ, तब इस डर का जन्म हुआ मनुष्य के हृदय में। आज भी अपने जीवन में जब गुनाह करते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, उसके कारण हमारे अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही पाप से हुई है। कहीं ना कहीं पाप जब हम करते हैं तो ये डर हमारे अंदर आ जाता है। अब ये डर बहुत प्रकार से हमारे अंदर आता है। पहला नंबर तो यही है कि जब हम पाप करते हैं तब हमारे अंदर क्या आता है, डर की भावना पैदा हो जाती है। उत्पत्ति 18:15 हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारा बातचीत कर रहे हैं कि अगले साल तू इन्हीं दिनों में गर्भवती होगी, और सारा को इस बात पे वो थोड़ा सा हंस गई इस बात को सुनकर। और जब वो हंस गई और तब उसके मन में क्या आया, डर पैदा हो गया, यानी कि अविश्वास जब उसको सारा के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, डर की भावना पैदा हो गई। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी होता है, जब हम अविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर सपोज जब हम अविश्वासी थे तब हमारे अंदर बहुत सा डर भरा हुआ था, और आज भी जब हम विश्वास में कम होते हैं तो हमारे अंदर डर की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो विश्वास की कमी के कारण भी हमारे अंदर डर बैठ जाता है, डर कब्जा कर लेता है। फर्स्ट यूहन्ना उसका 4:18 प्रेम की कमी के कारण हमारे अंदर डर की भावना पैदा होती है, डर आ जाता है हमारे अंदर जहां हमारा आपसी प्रेम कम हो जाता है। उत्पत्ति उसका 26:7 डर था, अब्राहम ने सारा को अपनी पत्नी बता दिया क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वो मुझे मार डालेंगे। दूसरा राजा उसका 19:5-6 पर अपने दुश्मन को देखकर, अपने विरोधी को देखकर हमारे जीवन में डर उत्पन्न होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8:25-26 पे झील में जब वो लोग थे और यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, जब तूफान आया तो चेले डर गए, भयभीत हो गए कि हम अब मरने वाले हैं। ये मृत्यु का भी एक डर है, मृत्यु का भी एक डर है। और जो हम जीवन में समस्याओं में घिरते हैं, जैसे यहाँ पे चेले समस्याओं में पड़ गए तो उन्हें उस बात से क्या हो गया, डर हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 आत्मिक डर भी है कि कहीं हम भटक न जाएं। पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6:48-50 उन्होंने क्या समझा, चेलों ने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो उन्होंने समझा अरे भूत आ गया, और वो सारे डरने लग गए। तो मनुष्य जाति के अंदर भूत का भी एक डर है। 8 प्रकार से डर हमारे अंदर पैदा होता है। सबसे पहली बात थी कि पाप के द्वारा, जब आदम हवा ने पाप किया, और आज भी जब हम पाप करते हैं तो डर की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है। नंबर दूसरी बात हमने देखी कि कम विश्वास के कारण हमारे अंदर डर बैठ जाता है, डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात हमने देखी कि आपस में प्रेम के कम होने के कारण भी हमारे अंदर डर आ जाती है। नंबर 4 हमने देखा, जब हमें अपने शरीर का खतरा महसूस होता है तब हमारे अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है। और दुश्मनों से, दुश्मनों को देखकर या फिर दुश्मनों से हमारे जीवन में क्या आ जाता है, डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब हम जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरते हैं उसके कारण भी हमारे जीवन में डर आ जाता है। कई प्रकार की बीमारियां, दुख, परेशानियां, कठिन परिस्थितियां, इन सब के कारण हमारे जीवन में डर आ जाता है। समस्याओं में, जीवन की समस्याओं में जब हम पड़ते हैं तब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। और एक आत्मिक डर भी है हमारा, कहीं हम पाप में न गिर जाएं, है ना, कहीं हम बैक ना हो जाएं, कहीं हमारे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, ये आत्मिक डर भी है हमारा। और एक डर है भूत का डर, शैतान का डर। तो ये 8 प्रकार के डर हमने यहाँ पर देखे हैं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। जीवन भर, हर दिन, हर साल, हर महीने इसी डर में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कई लोगों को केवल इसी बात का डर है कहीं मैं मर ना जाऊं, कई लोगों को इसी बात का डर है कहीं मुझे खतरनाक बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरा ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कहीं मेरे हार्ट अटैक ना हो जाए, इस प्रकार के डर उनके जीवन में है। तो हम अलग अलग प्रकार के डरों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।